ये वाला एमसीक्यू देखो 2020 के अंदर पूछा गया, पीवाईक्यू है, ध्यान से अच्छे से समझ के लगाना। आपसे कह रहा है कि आपके पास द एवरेज पावर डिसिपेशन इन प्योर इंडक्टर, एक प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर मतलब सर्किट के अंदर सिर्फ इंडक्टर ही लगा रखा आपने और कुछ नहीं लगा रखा, और आपने यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा। तो कह रहा है कि इस इंडक्टर के अंदर से एवरेज पावर डिसिपेशन कितना होगा, तो आपको पता है पी एवरेज जो होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाई, ये होता है। कोस फाई क्या होता है, ये पावर फैक्टर होता है। तो एवरेज पावर निकलती है इससे, आप पावर फैक्टर निकालो, आप पावर फैक्टर निकालो। ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। अगर ये वोल्टेज है तो ये करंट होगी, तो 90 डिग्री लैग करेगी काय में, फेज में। तो जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट के बीच में प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर, वो 90 डिग्री होता है। तो कोस 90 डिग्री आप जैसे यहाँ रखेंगे, इसको आप ऐसे ही रहने दें, ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, सबका सब जीरो हो जाता। तो जो एवरेज पावर डिसिपेशन है वो जीरो हो जाएगा, ध्यान देना, एवरेज पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी, जीरो। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो कितना मजा आ रहा है ना, आप समझें चीज़ों को यार बारीकी से। थैंक यू।